तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, और उसके साथ साथ हमने पिछली वीडियोस का एक बार रिव्यू करते चलते हैं हम चलते हैं हमने पिछली वीडियोस में देखा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। उससे पहले हमने देखा कि हमारा फॉर्म का इनपुट कैसे लेते हैं, और डिफरेंट टेक्स्ट की हमने बात की बॉडी पार्ट में, और अब हम उसको लेके आगे चलते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम IDs और क्लासेस को यूज कर सकते हैं। IDs और क्लासेस क्या हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IDs एंड क्लासेस। तो जल्दी से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं आज की क्लास की, और आपको पता चलूं क्लास जो 10.html है, ये है डॉट एच टी एम एल हमारी एक्सटेंशन है, जो हमारे VS कोड को बताता है कि ये एच टी एम एल की फाइल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये हमारी फाइल क्रिएट होगी, और हम इसमें जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा देते हैं। आपको बताते चलूँ बॉयलर प्लेट लगाने, बॉयलर प्लेट बेसिकली एक टेम्पलेट होता है, और ये लगाने के लिए हम इसको लिख के एंटर का बटन दबाते हैं, तो हमारी बॉयलर प्लेट एंटर रहती है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमने गो लाइफ में गए, और ये देखिएगा हमारा सर्वर ओपन हो गया है। हम इस वक्त हमारा ये डॉक्यूमेंट लाइव जा चुका हुआ है। अगर हम डॉक्यूमेंट का नेम चेंज करते हैं, आईडी एंड क्लास करके हमने सेव किया, तो ये देखिए हमारे डॉक्यूमेंट का नाम भी चेंज हो गया। तो मैं एक H3 की हेडिंग बनाता हूँ, क्योंकि गैस में ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं बनाना चाहता। और इसको हमने एंटर किया, और इसके साथ ही हमने इसका नाम लिख दिया आईडी एंड और हमने ओहो सेव किया। सेव करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ साथ हमने Ctrl+S दबा के हमने सेव किया। और कमेंट करने के लिए, तो कमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Front/। तो काफी लोगों को पूछ रहे थे कि मैं इसको लिख देता हूँ इज टू कमेंट, और ये Ctrl+S यूज होता है यूज टू सेव। तो हम अपनी आईडीज और क्लास की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे मैंने लिखा और डिव पे हम एंटर किया, तो डिव आ गया। तो हमने एक डिव क्रिएट कर लिया। अब आईडीज एंड क्लासेस में जाते हैं, मैं डिव में लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, और डिव में अब डिव एक टैग है, और आईडी और क्लास उसके एट्रीब्यूट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एट्रीब्यूट्स का पता होगा, और टैग और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस भी पता होगा। तो डिव के एक टैग है जो आईडीज एंड क्लास है, ये बेसिकली किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये H3 के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये बॉडी के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये डिव के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो हम CSS लगाने के लिए या जावास्क्रिप्ट के लिए, बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के जरिए अगर किसी चीज को, किसी डिव को, किसी पैराग्राफ को या किसी टैग को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए आईडीज और क्लासेस यूज करते हैं। तो डिव आईडी इज इक्वल टू नेम एंड क्लास इज इक्वल टू लर्न,
आस्किंग आईडीज और क्लास में डिफरेंस क्या होता है। आईडी का मतलब होता है जिसमें आपका इनाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। आईडी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है जो पूरे पाकिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपके अकेले का वो आईडी नंबर होगा, वो और किसी पाकिस्तान में और किसी बच्चे का वो आईडी का वो नंबर नहीं होगा जो आपका होगा। तो आईडी सिर्फ अगर पूरे डिव की बात कर रहे हैं या तो पूरे प्रोग्राम में एक ही नेम की आईडी होगी। अगर ये नेम से हमने एक आईडी क्रिएट कर दी तो पूरे प्रोग्राम में और किसी टैग की आईडी हम नेम नहीं रख सकते, सिर्फ एक ही टैग की आईडी नेम होगी। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में अकेले आपके एक अपना आईडी कार्ड नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता, इस तरह आईडी भी किसी एक टैग की होगी, वो पूरे आपके कोड में किसी और को वो आईडी नहीं मिल सकती। लेकिन क्लास क्लास आपके नाम की तरह है, जिस तरह आपका नाम पाकिस्तान में और भी 100 लोगों का हो सकता है, 10 लोगों का सेम नेम हो सकता है, उस तरह क्लास हम मुख्तलिफ टैग्स को दे सकते हैं। मुख्तलिफ टैग के साथ साथ हम जो क्लास है हम डिफरेंट टैग्स को दे सकते हैं। और इनका फ़र्क ये होता है, अगर हम कह लेते हैं जावास्क्रिप्ट में किसी खाली एक ही टैग को टारगेट करना चाह रहे हैं, सीएसएस में एक ही टैग की हम सीएसएस की जो हमारी क्वालिटी है वो चेंज करना चाह रहे हैं, हम उसको कोई एक स्पेशल फंक्शन देना चाह रहे हैं सिर्फ एक ही टैग को, तो हम आईडी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल टैग्स को एक साथ कोई हम उस पर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट टैग्स को एक ही साथ उनका बैकग्राउंड कलर रेड करना चाह रहे हैं या ब्लैक करना चाह रहे हैं, ब्लू करना चाह रहे हैं, तो हम जिन जिन टैग्स को एक साथ हम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उनको हम एक क्लास देंगे और उनकी सेम क्लास होगी। जैसे अगर हम कर लेते हैं इसके साथ साथ, मैं डिव से बाहर रहता हूँ और एक पैराग्राफ का टैग बनाता हूँ और इसको आईडी नेम और क्लास लर्न देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पहले एक डिव को हम लर्न नेम की आईडी दे चुके हुए हैं, तो ये नेम की आईडी रोंग है। आईडी सिर्फ पूरे प्रोग्राम में एक ही आईडी, एक नाम की एक ही आईडी होती है, एक नाम की दो आईडीज नहीं हो सकती। तो इसको हमें पैराग्राफ की आईडी नेम नहीं कोई और रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, वेब रख देता हूँ इसके आईडी। लेकिन क्लासेस पैराग्राफ और डिव दोनों की सेम हो सकती हैं। तो इसको इन डिटेल हम तब मैं आपको तब भी समझाऊंगा जब हम सीएसएस करेंगे, तब हम इसके थ्रू हम किसी भी या जावास्क्रिप्ट करेंगे तो किसी भी टैग की जब हम किसी आईडी को टारगेट करेंगे, हम क्लासेस के थ्रू टैग्स को टारगेट करेंगे, तब मैं आपको इससे आपको मजीद समझ आएगा। और जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको इस बारे में मजीद समझ आएगा। अभी तक इतना ही कि आईडी सिर्फ प्रोग्राम में एक, पूरे प्रोग्राम में एक ही होती है और क्लासेस हम मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं कि सेम क्लास हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम इनको एमिट में देखेंगे, अगर हम इनको फास्ट कोडिंग अपनी कर सकते हैं तो हम इस तरह भी किसी भी टैग को आईडी या क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ div dot my name और slash gh और एंटर दबाएंगे तो देखें div क्लास का नाम my name आ गया, id का नाम gh आ गया। तो मैं आपको बताता चलूं कि कि जो इसका जो डॉट होता है, डॉट यूज फॉर क्लासेस एंड यूज फॉर ID और इसको हम कमेंट एंड फ्रंट स्लैश लगा के कमेंट कर लेते हैं। तो जिस हमने लिखा जो हमारा डॉट होता है वो हमारी क्लासेस के लिए यूज होता है और जो हमारे हैश होता है वो हमारी आईडीज के लिए यूज होता है। हम मल्टीपल एक साथ मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं
मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें हम तीन पैराग्राफ की सेम क्लास रखना चाहते हैं, तो हम इतना कर सकते हैं p डॉट gh और एंटर, नहीं सॉरी p डॉट gh, अगर हम चार पैराग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फोर करेंगे और एंटर। अब देखिए एक ही क्लास के चार पैराग्राफ क्रिएट हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आईडीज और क्लासेस के बारे में आपको समझ आया होगा, और फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम अपने सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जो समझाया वो समझ आई होगी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।